नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपन बिहार में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। मतदान के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शब्दों में जरा भी हेर फेर नहीं, जितना सोचा उससे भी ज्यादा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाषा के गिरते स्तर की। ये साजिश है, कुछ और है, और कुछ और ये तो नहीं पता। दरअसल बिहार के जमुई में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से एलजेपी आर प्रमुख चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कोई राजनीतिक स्तर की गिरावट बता रहा है तो कोई चुनावी साजिश बता रहा है। यह रिपोर्ट देख के समझिए। जनता का टाइम आया, शब्दों का स्तर गिराया, मोहब्बत की दुकान कैसे कैसे बयान, महिलाओं का अपमान, चुनावी गाली बड़ा घमासान, बिहार में वीडियो वायरल, बरपा हंगामा, बिहार में गाली पॉलिटिक्स, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। शब्दों की मर्यादा तार तार। कोई मेरे परिवार को दर्द दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। सियासत में ये भी सही, तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कुछ दे रहा, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है, ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इसके बाद में बताएंगे क्यों बना। चुनाव है जनाब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। अगर आप कुछ सुन रहे हैं, कानों को चुभ रहा है, शब्दों का स्तर रुपयों से भी तेज गिर रहा है, तो समझ जाइए कि अभी तो बस शुरुआत है। बिहार की राजनीति में चार चांद लगाती ये गालियां अपने स्तर को चीख चीख कर जमाने के सामने रख रही हैं कि इससे भी ज्यादा कुछ बदतर हो सकता है। आप जितना सोचेंगे राजनीति का स्तर उससे भी ज्यादा नीचे नजर आएगा। बिहार के जमुई में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किसी अनजान शख्स ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वो तेजस्वी यादव के व्यवहार से दुखी है। एक गंभीर विषय की मैं जरूर चर्चा करूं, जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला विषय। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़ी से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता। उन्होंने तेजस्वी यादव की माँ को अपनी माँ बताते हुए कहा कि मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरे सामने तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी राजनीति एक तरफ है, लेकिन वो मेरे परिवार हैं। लालू जी मेरे पिता के समान हैं। राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखा है, पर भले मेरी भतीजी का जन्म हो या उनके यहाँ इफ्तार की पार्टी हो, मैं हर उस आयोजन में मैं जाता रहा, अलग गठबंधन में होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पिता ने ही मुझे इन व्यक्तिगत संबंधों को निभाना सिखाया। पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है,
मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही माँ है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी माँ में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी माँ का। मेरे लिए मीसा दी हूँ या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। वही वायरल वीडियो को लेकर जब सियासी तूफान उठा तो उसकी चपेट में आए तेजस्वी यादव ने बयान को लेकर कहा कि पब्लिक में कोई गाली दे रहा है, ऐसे तो कोई भी दे सकता है, उन्हें भी कभी कभी ऐसी ही गालियों का शिकार होना पड़ा है। तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है, ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी? और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है? हम भाषण दे रहे हैं, हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? फिर इसमें इसमें क्या लग रहा है? ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता दिन भर। फिलहाल मामला अभी शुरू हुआ है, बयान सिर्फ किसी की जुबान से निकला है, तो अब इसका सियासी रुख कैसा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जनता का टाइम आ गया है, अब कोई चाहे कितना भी बयानबाजी करे, अब फाइनल गेंद जनता के पाले में है और अब जनता बताएगी कि इस बार जनता किसको राजमुकुट पहनाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। वहीं अररिया में आरजेडी उम्मीदवार शाहनवाज आलम के नामांकन में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। जिले के सुभाष स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता डरे हुए हैं, इसलिए कई दलों के नेता मिलकर घूम रहे हैं, जबकि वो अकेले ही काफी हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी सरकार बनी तो 15 अगस्त को 1 करोड़ नौकरी देकर बेरोजगारी से आजादी दिलवाई जाएगी। तुमने पार्टी की है, बीजेपी का यही मतलब है बंकार झूठा पार्टी। हम मोदी जी झूठ बोलने में इतने माहिर है कि गोबर को भी हलवा बना देता है, उनका और कोई काम नहीं। लेकिन आप जान रहे हैं हम लोग भाजपा को हटा दिए थे बिहार से, लेकिन चाचा जी पलट गए, चाचा जी पलट गए पलट गए, लेकिन 17 महीने उपमुख्यमंत्री बने और मात्र 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे रखी है। और वहीं केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया और कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार या नौकरी तब देंगे ना जब वो सत्ता में आएंगे। देश और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है, इसलिए तेजस्वी मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखे तो ही अच्छा। जिसका पास्ट कुछ अच्छा रहे फ्यूचर की उम्मीद होती है। तेजस्वी यादव दो दो बार उप मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के दिए गए नौकरी पर अपना मोहर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, लालू यादव की पार्टी के अंदर कोई भी डेवलपमेंट का कमिटमेंट और चर्चा हो ही नहीं सकता। रोपे बबूल तो आम कहाँ से हो। ये तेजस्वी यादव देखे नहीं, हाथ हिला रहे थे, मुरेठा बांध रहे थे अपने रैली के पटना के गांधी मैदान में। उनकी सरकार बननी नहीं है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना, नरेंद्र मोदी 400 के पार होंगे, भारत में फिर एक विकास की नई क्रांति आएगी, विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलेगा।
बिहार में गया लोकसभा क्षेत्र में मतदान होना है, इसको लेकर गया में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गया कॉलेज में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, जहां से पोलिंग पार्टियों ने ईवीएम मशीन लेकर यहां से रवाना होना शुरू कर दिया है। वहीं सुबह से ही सभी मतदान कर्मी, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल गया कॉलेज में पहुंच चुके हैं। मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शहरी क्षेत्र के अलावा नक्सली क्षेत्र में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पर्याप्त संख्या में सीपी में बल पूर्व से ही विगत एक माह से यहाँ इस जिले में आए हुए थे और उनके माध्यम से हम लोगों ने जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान है उसको चला रहे थे और उसमें काफ़ी संख्या में हम लोग को सफलता भी मिली है, काफ़ी कार्रवाई भी हुई है और हम लोगों के द्वारा जो झारखंड राज्य के साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हुए वहाँ पर जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है उसके जो ज़िले हैं उनके साथ बैठक की गई और वहाँ पर झारखंड का भी सहयोग हम लोग ले रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन करने के लिए और चेकिंग लगाने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या हमारे जो संवेदनशील क्षेत्र है। इसके अलावा जो हम लोग बूथ पे जो पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति किए हैं उसके अलावा सेक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है, जोनल और सुपर जोनल में बड़े पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि कोई भी इशू होने पर तुरंत वहाँ पर 10 से 15 मिनट के अंदर किसी भी बूथ पर पहुँच करके वहाँ पर समस्या का निराकरण करेंगे। 9 विधानसभा जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, एक तो गया पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, 3 विधानसभा, कुल 9 विधानसभा का चुनाव कल होना है। इसके लिए तैयारी पूरी है, मुकम्मल व्यवस्था की गई है, सभी लोगों का आज मिलान हो रहा है, लोग आपस में पार्टी और पुलिस फोर्स मिल करके अपने बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं, अपना ईवीएम भी सुरक्षित प्राप्त कर रहे हैं, इसमें स्मूथली सब चीज़ें चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने संयुक्त ब्रीफिंग भी किया है लोगों को, जो सामान्य तौर पर किन बातों का ध्यान रखना है और बूथ पर वोटर के हिसाब से क्या तैयारी रहना चाहिए, ये सब बातें हम लोगों ने बताया है। ये तैयारी बहुत दिन से चल रहा था और अभी वक्त आया है कि लोग अपने घर से निकल करके हम लोगों का जो मेहनत है उसको फलाफल तब मिलेगा। अति लोकसभा चुनाव कराने के लिए बेलागंज में हमारी ड्यूटी लगी है, 232 बूथ नंबर 212 पर जा रहे हैं। हमें सरकार के द्वारा या तो हमारे प्रशासन के द्वारा बहुत सुगम, बहुत सुलभ व्यवस्था, ताकि हमेशा से अच्छा व्यवस्था किया गया है ताकि कर्मचारी के कहीं पड़ी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। प्रशासन से लेकर के कर्मचारी तक सब कोई मतलब इससे मतलब उज्जवल कामना के लिए और हम लोग को जो दायित्व मिला है उस दायित्व को पूरा करके हम लोग वापस आएंगे। हमें ईवीएम, वीवीपैड, मतलब बीयू, सीयू और वीवीपैड हमें प्रोवाइड करा दिया गया है और हम लोग अपने मतदान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और वहीं सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी जान से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। सारण में कमल को मुरझाने और लालटेन की लौ जलाने के लिए रोहिणी प्रवासी मजदूरों के घर गई, जिनकी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में जान चली गई थी। रोहिणी ने पीड़ित परिवार से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि सांसद बनने के बाद मदद का भरोसा भी दिया है और बीजेपी पर कड़ा प्रहार भी किया। रोहिणी ने कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, लेकिन पीएम मोदी और उनकी पलटन इस बाबत कुछ भी नहीं बोलते बल्कि दिन भर बेसिर बेपैर की बातें करते हैं। पहले वो अपना जनप्रतिनिधि धर्म तो निभाएं, जनता का दुख हरे ना, जो बोले रोजगार और बढ़ती महंगाई उस पे काम करें। इन लोग क्या धर्म, क्या कौन खा रहा है, कौन क्या पहन रहा, मतलब यही मुद्दा है देश में। देश में कितना बड़ा मुद्दा है बताइए, ये लोग सब पूछ रहा है ना कि कहाँ गया रोजगार, बढ़ती महंगाई पे ये लोग क्या कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पे क्या कर रहे हैं ये लोग। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने अपने चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। 2019 में कमल खिलाने वाले रविशंकर प्रसाद को पार्टी ने लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। 24 के जंग में जीत की हैट्रिक लगाने को आतुर हैं रविशंकर प्रसाद। आपको बता दें कि 2014 और 2019 में बीजेपी को मतदाताओं ने अपार समर्थन दिया था, ऐसे में रविशंकर प्रसाद जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। ममता जी ने ऐसा भाषण दिया कि वो प्रवोक कर रही थी, आप देखा होगा जो उनके भाषण का स्वर था वो क्या था। वो मुख्यमंत्री हैं, सबको लेकर चलना चाहिए ना, तो ये ठीक नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पहले भी
हनुमान जयंती पर हमला हुआ था, तो बंगाल में ये सब क्यों होता है? आतंकवादी पकड़े जाते हैं, बेंगलोर के ब्लास्ट का आतंकवादी वहां मिलता है, कैफे के ब्लास्ट का, अब ये हो रहा है। तो ममता जी, बंगाल आपके साथ नहीं है, लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगी, ये जो चाहे वो संदेश खाली में जो हुआ, जो शाहनवाज शेख ने किया, जो भी नाम है उसका, या बाकी ने किया, तो ये सब आपकी हताशा है, छटपटाहट है। वही राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पूर्व सांसद शैलेश कुमार और बोलो मंडल ने आरजेडी छोड़ दी है और अब जेडीयू में शामिल हो गए, जिसकी जानकारी जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और ललन कुमार ने यह जानकारी साझा की। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए मैंने जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया, उसमें ज्वाइनिंग करने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव की, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं। और वहीं गया में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नक्सलियों को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से नक्सलियों के गढ़ चकरबंधा पहाड़ी पर स्थित सभी बूथों पर हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया। पुलिस की ओर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु चकरबंधा थाना के कई मतदान केंद्रों पर उनके वास्तविक मतदान भवन में ही इस बार मतदान कराया जा रहा है। नक्सलियों को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है, प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हेलीपैड से ये पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो गई है मतदान को लेकर के। नक्सलियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट रखा गया है, साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी भी लगातार पोलिंग पार्टियों के साथ पोलिंग बूथ मतदान कराने का पूरी तैयारी करेंगे। अभी तक सब चीजें अच्छा चल रहा है और सब लोग ईवीएम प्राप्त करके निकलने की स्थिति में है और बाकी सब जगह भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, वोटर का कोई दिक्कत नहीं हो, बूथ की स्थिति भी ठीक कराई जा रही है और कहीं भी जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ पर भी कड़ी नज़र हम लोग रखे हुए हैं ताकि असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार की ये मतलब